हम जो घोषणा कर रहे हैं, या अभी हम तारीख की घोषणा करें एक मिनट बाद, कि हम पहले जितने भी संभाग मुख्यालय राजस्थान के, उसमें यहाँ जो टीम बैठी है, कुछ प्रमुख जो चेहरे हैं इनके छात्र नेताओं के, तो ये प्रमुख चेहरे राजस्थान में एक यात्रा की शुरुआत करेंगे। प्रत्येक कॉलेज विश्वविद्यालय के अंदर जाएंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे से, और जितने भी संभाग मुख्यालय राजस्थान के बड़े विश्वविद्यालय हैं, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, सीकर, अलवर, जहाँ यूनिवर्सिटी है वहाँ मैं भी, अगर इनकी इच्छा होगी तो मैं भी चाहूँगा कि व्यक्तिगत रूप से वहाँ उपस्थिति करूँ, छात्रों की रैलियाँ वहाँ पे, नौजवानों की रैली हो, सरकार पर हम दबाव बनाएं कि छात्र संघ चुनाव हमारा अधिकार है, छात्र संघ चुनाव बाल करो, और उसके बाद जयपुर राजधानी में 1 लाख से ज़्यादा छात्रों की बड़ी रैली हम आगामी दिनों के अंदर करेंगे। उसकी तारीख की घोषणा मैं अभी करूँगा, उससे पहले एक एक मिनट ये लोग अपनी बात रखेंगे। मैं फिर आरोप लगाता हूँ कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर छात्र संघों को कुचलने का काम किया है, वो राजस्थान की युवा शक्ति बर्दाश्त नहीं करेगी, राजस्थान का छात्र बर्दाश्त नहीं करेगा, और सबक सिखाएगा दोनों पार्टियों को। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बयान तो देना चाहिए, कम से कम उनके संगठन को एक दो जगह प्रदर्शन करके, और नहीं तो एंट्री तो अपनी दानी थी कि हम भी आपके साथ हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप बैठे हैं, मजा देख रहे हैं। जिस तरह की घटनाएं आपने देखी होगी, जब महेश जोशी का मामला था, बीजेपी चुप हो गई, एक बीजेपी के नेता का बयान नहीं आया। प्रताप सिंह के मामले में एक नेता का बयान नहीं आया, जब परिवहन घोटाले की मामला हुआ, या मैंने ऐसे कई बजरी का मामला आप देखिए, मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर चला, और उसकी परिणति ये हुई कि आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, आज हमारा जवान नशे के अंदर डूबा जा रहा है, नए नशे राजस्थान के अंदर, जिस तरह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पहले तो शराब जो हरियाणा से राजस्थान होकर गुजरात जाती थी, आज MD इसमें जो नशीले आपकी दवाइयाँ, नशीले इंजेक्शन जिस तरह बढ़ रहे हैं, जिस तरह नौजवान खत्म हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार है ये 25 साल की व्यवस्था, और जो आरोप 2008-09 में मैंने लगाए बीजेपी में रहते हुए कि वसुंधरा गहलोत मिले हुए हैं, वो अशोक गहलोत ने खुद ये कह दिया कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, तो इससे बड़ा मिला जुला का खेल राजस्थान के अंदर नहीं हो सकता। और अब आप देख सकते हैं कि ये बच्चे टकटकी लगा के देख रहे हैं कि कोई तो आए जो हमारी मदद करे। मैं इनका भाई हूँ और मैं हमेशा इमोशनल, देखिए दिल से राजनीति करता हूँ, दिमाग से मैंने राजनीति नहीं की, इसलिए इनके बीच वापस इनके बुलाव पाया हूँ, और मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि सरकार से चुनाव करा के ही दम लेंगे। आज तक तो हमने जो चाहा है वो राजस्थान में हुआ, चाहे बजरी माफिया हो, उसकी दरिया में दुकानें भी समेट दी, ED दफ्तर की जाँच का मामला तो जल्दी उसका भी हम बीच में ही कर लेंगे, ED के अंदर वो कागज जाएंगे सारे, जिनमें कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता किस तरह बजरी माफिया के पार्टनर के रूप में किस तरह 7-स्टार होटलों के अंदर इसके साथ रुकते हैं, जो काम कर रहे हैं, जिस तरह ED की एंट्री तो होती है, CBI की एंट्री होती है, लेकिन बाद में क्या होता है, कलाम कोचिंग पे आ गई ED हो, जब वो एक तो आके किसी को बदनाम करना, और अगर मुलजिम है तो उसको पकड़ो, ये जनता जवाब चाहती है। ED CBI अपन भी कहते हैं CBI जाँच करो, कोई घटना घट जाती इसकी CBI जाँच करो, अरे CBI जाँचें तो कई दे दी, लेकिन मेरे एक सवाल के जवाब में लोकसभा में बताया कि आधी से ज्यादा CBI जांचें पेंडिंग है और क्लीन चिट दे दी, तो जब CBI ED ऐसे करने लग जाएगी तो भरोसा किस पे रहेगा, बताएं मुझे, ये भरोसा उठ जाएगा? जिस तरह छात्र नेताओं का भरोसा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उठ गया, और इनका भरोसा विश्वविद्यालय के उन अध्यक्षों से जो लंबी चौड़ी डींग हांकते हैं, जो लंबे चौड़े भाषण देते हैं, हम विश्वविद्यालय से विधानसभा की ओर चले, अरे चले तो अब क्या कर रहे हो तुम लोग, ये बच्चे तकलीफ में आ जाओ ना इनको संभालने के लिए, मैं तो हूं, मैं तो इनके साथ हूँ, मैं तो ये भी कह दिया था कि उन लोगों के साथ भी बैठ जाऊंगा जिन पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, अगर ये बच्चों के चुनाव का मामला हो तो हम मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम चाहते हैं कांग्रेस BJP सहित तमाम वो दल जो इसके अंदर हमारी मदद करें, हम सब मिलकर लड़ाई राजस्थान के अंदर, कई लड़ाइयाँ मिलकर लड़ी जाती है, जिस तरह कोविड की लड़ाई थी वो मिलकर देश ने लड़ी, प्रदेश ने लड़ी, तो इस लड़ाई को मिलकर लड़ने की आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से आज वो लोग नहीं आए, अगर उनकी जमीर जिंदा है तो आगामी दिनों में वो हमारे साथ खड़े मिलेंगे। ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज का चुनाव हारने से काफ़ी परेशान है, एक बार हमारे बात चल गई थी नापक्ष लोबी में, तो मैंने कहा साहब आप मन नहीं पाए थे, हाँ रह गए थे थोड़े बहुत, उस बात से इनको ये बार बार ये बात है, जब यूनिवर्सिटी का कोई अध्यक्ष दिखता तो उनके, तो मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि एक बार आदमी को अपने मन की निकाल लीजिए, अभी सारी मन की निकाल रहे हैं क्यों, BJP है नहीं, कांग्रेस अपने चाहे जो रेवड़ियाँ बांट रही, तो एक आदेश मुख्यमंत्री जारी कर दे कि राजस्थान के तमाम विश्वविद्यालयों के अध्यक्ष खुद होंगे,
क्या दिक्कत है, कम से कम मन की तो निकल जाए, इसी वजह से बच्चों को तकलीफ नहीं हो। ये उनकी पीड़ा जरूर हमेशा रहती है और ये पीड़ा बीजेपी के कई नेताओं के भी है, ये वसुंधरा जी की भी पीड़ा है, वो अध्यक्ष नहीं रही यूनिवर्सिटी की, ये पीड़ा उनके मन में भी कहती जरूर है कि मैं भी पॉलिटिक्स में, मैडम आप भी पॉलिटिक्स में थे क्या पहले, कर हाँ हाँ मैं भी थी, कहाँ थी, बोले नहीं मैं ऐसे एक्टिव पार्टिसिपेट किया, पार्टी अध्यक्ष थी क्या, कहेंगे अध्यक्ष नहीं थे, ये मन में जरूर आता है हम भी छात्र संघ अध्यक्ष, और तो मन में तो आता है, मन कहता था सपने तो हर कोई ले सकता है, पूरे होक नहीं हो, लेकिन मैं इन बच्चों के साथ हूँ और हम इस तारीख की घोषणा करेंगे। जयपुर लिंगदो कमेटी को अगर हम सरकार के अंदर आए तो हटा देंगे लिंगदो कमेटी, ये लिंगदो कमेटी मजाक है कहेंगे तो बच्चों का खेल कर दिया आपने सब, हम नया बिल लेके आ जाएंगे राजस्थान की असेंबली के अंदर, चुनाव होंगे परमानेंट होंगे, उनके लिए अलग आयोग बन जाएगा छात्र संघों के लिए, जिस तरह पंचायत चुनाव, हाँ साथ में आप देख ही रहे हो, लेकिन मैं युवा शक्ति के साथ हूँ हमेशा, मैं युवाओं के मुद्दे उठा रहा हूँ, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, अपराध, जहाँ भी अपराधी सर उठाता है हनुमान बेनीवाल और उसकी टीम पहुँच जाती है उसका सर कुचलने के लिए, चाहे अपराधी की जाति कोई सी भी हो। हमारा कोई मकसद ऐसा नहीं कि इनको निपटाएं, हमारा मकसद है कि राजस्थान में परिवर्तन करें, क्योंकि हमारे बाहर के जो राज्य हैं आस पड़ोस के आप देख लें, हरियाणा पंजाब से लेके तमाम 25 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां राज कर चुकी है या सेकंड थर्ड पोजीशन के अंदर, आगे राजस्थान के गीत गाए जाते वीरों की धरती सूरों की धरती, तो वीरता कब कब आएगी, बच्चे हैं नौजवान ही बदलाव करेंगे, इन्होंने ठान लिया कि अब हम नई ताकत खड़ी करेंगे राजस्थान के अंदर, और चूँकि पहली पार्टी बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, पार्टी बना के दिल्ली जाने का सौभाग्य मुझे मिला, तब कई लोग ये कहते थे ये तो मोदी गोदी में बैठ गया, जब किसान तकलीफ में आया तो जय जवान जय किसान के नारे के साथ बनी आरएलपी के सांसद ने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के इस एनएचआर को जाम किया और किसान बिल वापस करवाए, और अग्निपथ में जब सेना को ठेके पर दिया तो देश का एक सांसद जिसने अग्निपथ का विरोध किया और जोधपुर में 2,00,000 जवानों की रैली करके ये संदेश दिया कि देश के जवान किसान तकलीफ होंगे, उस समय हनुमान बेनीवाल सत्ता छोड़ के कभी भी सड़क पर आ सकता, और ये छात्र संघ अगर संकट पे आ गए, छात्र संघ और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पे अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसमें आरएलपी पार्टी हनुमान बेनीवाल हमेशा अपने छोटे भाइयों के साथ इनके सम्मान में इनको आगे बढ़ाने के लिए छात्र संघों के माध्यम से इनको लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली सीढ़ी को समाप्त नहीं होने देगा, ये मैं नहीं अभी क्या इस पर नहीं है, किस चीज के लिए क्या उनको पद मिलेगा, क्या उनको लेकर आगामी पहले क्या पद मिला था, जैसे पायलट को, पायलट को पहले भी कोई पद नहीं मिला था, उप मुख्यमंत्री कोई पद नहीं होता, वो सीएम की बात करते थे, और वो सुन रहा 3 बार सीएम रह की धाप नहीं रही क्या, पहले ये बताओ 2-3 एक बार ही होता सपना, एक बार चीफ मिनिस्टर रह, मैं किस नहीं मैं वो तो चले गए ना, अब कहाँ से करना चाहता था, मैं कांग्रेस बीजेपी के साथ नहीं करूँगा, शोषित पीड़ित दलित या जवान की बात करने वाली, ट्राइबल की बात करने वाली अगर कोई पार्टियां गठबंधन करना चाहेगी तो हमारे रास्ते उनके लिए खुले हैं, और कोई नहीं करेगा। देखिए कैलाश जी की, मैं कैलाश जी के साथ लंबे समय से था कि वो सुंदरा पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उन्होंने, लेकिन उन्होंने चूक कर दी, उसमें 5,000 करोड़ का था, मैंने ही बताया कि उनका 22,000 करोड़ का हुआ, हम साथ ही थे दोनों, लेकिन बाद में कैलाश जी क्या हुआ कि वसुंधरा जी के साथ उनका वो हो गया था, वो आरोप तो सच्चे लगाते हैं, बस इतना एक वो बाद में साथ रहते हैं कि नहीं रहते, ये अगर आरोप लगाए तो कहीं ना कहीं सच्चाई होगी इसके अंदर, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बिना उसके ऊपर पत्र नहीं लिखते, हाँ लेकिन बाद में क्या होता है कि उनको ज़्यादा करते हैं तो फिर वसुंधरा जी से समझौता उन्होंने कर लिया था, विधानसभा अध्यक्ष बन गए थे। देखिए राजस्थान में लंबी लड़ाई तो कोई नहीं लड़ पाया, सब शरणम गच्छा में हो गए, मेरे साथ भी बहुत बड़े नेता थे, महल की महारानी कहते थे, वो सब वहीं बैठे हैं, एक ही व्यक्ति लड़ रहा है, आप ये बात क्यों नहीं कह रहे हो कि लड़ाई एक ही आदमी लड़ रहा है, पार्टी बना के और लंबी लड़ाई लड़ना लंबे समय तक, तो वो तो एक ही व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी।